हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज भाई हम हमारे करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो बच्चों को बहुत मुश्किल से याद होता है, और आई थिंक याद ही नहीं होता है बच्चों को, बच्चे इसको छोड़ के भी जाते हैं भाई एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स का खेल है। तो नंबर्स को कैसे हम ट्रिक से याद करेंगे भाई, आज वाली वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, आज जितनी भी हमारी इंडेक्स है, मतलब आज भारत की जो रैंकिंग आई है किसी भी मतलब इंडेक्स के लिए बोले, तो उसकी सारी जो रैंकिंग है हम उनको बिल्कुल ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिक से पढ़ने से पहले कुछ मैं आपको कोड बताऊंगा, उस कोड को समझ लीजिए। 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट में आपको कोड समझ में आ जाएंगे, उसके बाद में देखना आप कितनी जल्दी से आप सारी रैंकिंग जो है वो याद कर लोगे। तो देखिए भैया स्टार्ट करते हैं। भाई प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे भाई, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर किया करो, जिससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। और एक वीडियो कल भी आएगी, मतलब कल भी आएगी, आज तो मैंने लिए हैं सिर्फ ट्रिक से, जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सिर्फ ट्रिक से, और कल जो आएगी उसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन होंगे वो भी आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे, उसमें भी आपको थोड़ी ट्रिक मिलेंगी लेकिन थोड़ी अलग टाइप की मिलेंगी। लेकिन ये स्पेशल ट्रिक ऐसी है जहां पर आपका जो मैथ्स का जो नंबर है उसको हम ट्रिक से कैसे याद करें, तो मैंने मैंने कोड बोलते हैं इसको हम ऐसे। जो भाई नए आए हैं आज, वो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उस प्लेलिस्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बिल्कुल ट्रिक से करवाए गए हैं। 2022 तक के हमने 6 टॉपिक अभी तक करवाए हैं, तो बहुत ही शानदार है सारे टॉपिक, तो आप वहां से देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई अगर देखिए, हमें कोई जो नंबर है वो याद हमें आसानी से नहीं होते हैं, नंबर में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो उनको हम ट्रिक से याद करना सीखेंगे। तो देखिए भाई, अगर हम एक नंबर को याद करना है तो उसकी ट्रिक क्या बनेगी ये देख लीजिए एक बार। भाई देखो, सबसे पहले अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो को हम लिखेंगे जेड से और एस से। भाई जेड से और एस से, जेड का मतलब होता है जीरो, देखो जेड को हम लिखते हैं जीरो ऐसे होता ना, तो इसमें जेड आता है भाई, तो यहां पर हमारा जीरो बन जाएगा। और हमारा हिंदी में बोले तो शून्य बनता है ना, शून्य, तो शून्य का मतलब एस से स्टार्ट हुआ होगा, तो ये ऐसे आ गया। तो मतलब जीरो के लिए हम यूज करेंगे जेड या एस। ऐसे ही वन के लिए हम यूज करेंगे क्या, एक तो हम करेंगे मतलब टी और एक करेंगे डी। देखिए हमने वन वन मतलब लिख दिया, वन के ऊपर हमने यहां पर ऐसे किया तो टी बन गया, और ऐसे किया तो डी बन गया। तो वन के लिए हमारा यूज करेंगे टी और डी, ठीक है भाई। अब आगे देखिए, जो यहां पर दो है, दो के लिए एन। अगर भाई मैं ऐसे बनाऊं, क्या ये दो ही तो है, अगर इसको थोड़ा घुमा दें तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये बन गया भाई दो के लिए एन। ऐसे ही क्या तीन के लिए, भाई देखो तीन की अगर हम बात करें तो तीन में क्या होगा भाई, यहां पर देखिए तीन के लिए हमारा आएगा एम। अगर तीन को तुम देखो, एम है ये, तीन लिख दिया मैंने तीन, अगर इसको अगर तुम घुमाओगे तो ये ऐसे बनेगा, और अगर इसको उल्टा कर दोगे तो ये ऐसे बनेगा। तो मतलब तीन के लिए हम यूज करेंगे एम और डब्लू, क्या एम और डब्लू, जहां पर एम और डब्लू होगा वह तीन कर देंगे भाई। आगे देखिए चार के लिए, तो भाई देखो चार को अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखो इसका मिरर बनाते हैं मिरर, तो मिरर अगर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा ही तो बनेगा चार, मिरर मिरर में अगर करोगे तो ऐसा ही तो बनेगा ये। अगर हम इसको ऐसा करके और हम इसमें क्या कर दें, इसमें ऐसे कर दे भाई, थोड़ा ऐसा घुमा दे, तो क्या ये आर नहीं बन गया, क्या ये आर नहीं बन गया। तो भाई चार के लिए हम आर यूज करेंगे, चार के लिए आर, ठीक है भाई। तो चार के लिए हमारा हो जाएगा आर, ये समझो आपको ये याद ही करना है बहुत ही आसानी से। अगर ये याद कर लिया तो नंबर्स को आप ट्रिक से याद करोगे आसानी से, ठीक है भाई, सिंपल आप समझो बस। पांच के लिए भाई हम एल यूज करेंगे, तो एल के लिए अगर सोचो अगर कैसे याद करेंगे, तो भाई ऐसे याद कर लो कि हम इसको यहां से आगे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे करेंगे तो ये पांच बन जाएगा, तो हमारा ये क्या होगा, पांच के लिए हमारा होगा एल। छह के लिए भाई देखो, अगर ये हमारा छह है भाई, ठीक है ये छह है, इसको थोड़ा सा घुमा के और कर देंगे तो ये जी बन जाएगा, और जी और जे और सी एच और एस एच, ये जो वर्ड होंगे ये छह को डिनोट करेंगे, ये आपको याद ही करना है भाई, ठीक है भाई, ये आपको याद करना है। सात के लिए देखिए भाई, सात को कैसे याद करोगे, तो सात के लिए होगा के और सी, तो इसको कैसे याद करोगे भाई, 7 करोड़ का सवाल था ना, कौन बनेगा करोड़पति में, तो कौन बनेगा करोड़पति में के सी, तो 7 करोड़ का सवाल आता ना, कि सबसे बड़ा सवाल 7 करोड़ रुपए के लिए होता है, तो आप इसको याद करोगे के और सी। आठ के लिए भाई देखो, आठ के लिए बनेगा हमारा कोड वी और एफ, ये आपको याद करना है भाई। नाइन के लिए देखो भाई, नाइन के लिए अगर आप सोचोगे, नाइन को मैंने उल्टा कर दिया तो ये ऐसा पी बन जाएगा, अरे इसका मिरर बनाएंगे तो मिरर में बनाएंगे तो ये पी बन जाएगा।
है ना, और इसी को अगर उल्टा कर देंगे तो ये बी बन जाएगा। तो ये 9 को डिनोट करेंगे पी और बी से। ये आपको समझना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको हमेशा याद रखना, एक नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि हम जितनी भी डेट आएंगी उनको अब इसी इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, और आप देखना कितनी आसानी से याद कर पाओगे। हम इसके बाद में एक टॉपिक और बनाएंगे जिसमें हमारे जो है ना, जैसे कोई दिवस होते हैं ना, जैसे मान लीजिए गणतंत्र दिवस कब आता है, साइंस डे कब आता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे ट्रिक से, वो बाद में बनाएंगे, क्योंकि भाई ट्रिक बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप लोग बोलते हैं भाई जल्दी जल्दी ट्रिक लेके आओ, लेकिन ट्रिक भाई इतनी जल्दी नहीं आ पाती है, क्योंकि उनको बनाने में उनको बहुत टाइम लग जाता है भाई, तो आप थोड़ा सपोर्ट क्या करो। ठीक है भाई, अब देखिए हम पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। तो इसके साथ में हमारे जितने भी ये मतलब हो चुके हैं, कुछ ट्रिक हो चुकी हैं, इसके बाद में हमें एक चीज और याद रखनी है। क्या भाई? हम जहां पर वोवल्स आएंगे ना, ए ई आई ओ यू, इनको कुछ नहीं मानेंगे, इनको हम साफ साफ काट देंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है भाई, वोवल्स की कोई वैल्यू नहीं है भाई। ठीक है, ये आपको ऐसे याद रखना है। अब करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप देखिए भाई, इसको याद कैसे करोगे? आपको पता है इसका 87th आंसर है, लेकिन आप कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। आज तो याद हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। तो हम याद कैसे करेंगे इसको? देखिए भाई, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो ये होता है भाई पासपोर्ट, जितने भी देश जो है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट किस देश का है, तो इसके लिए रैंकिंग होती है। तो देखिए भाई, जो है अपना जो भारत की जो रैंकिंग हुई है वो 87th हुई है। तो ऐसे याद करना भाई कि जो ट्रिक क्या बनेगी इसकी, देखो भाई ट्रिक बन जाएगी इसकी, जो हमारा जो पासपोर्ट है ना भाई, अपने इंडिया का जो पासपोर्ट है इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अपने जितने भी वॉइस चांसलर हैं हर एक यूनिवर्सिटी के, कौन वॉइस चांसलर होते हैं ना, जो विसी होते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी के एक वॉइस चांसलर होता है, तो उसके लिए क्या है भाई, पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप याद करिए कि भाई पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी भी स्टेट के वीसी के लिए। आपके माइंड में इमेज बनेगी वीसी, तो वी वी हमने क्या पढ़ा था भाई, वी जो है वो कहां पे आता है भाई, तो देखिए भाई वी आता है 8 के लिए, वी आता है 8 के लिए, तो यहां से बनेगा 8। और हमारा सी जो आता है ना, सी हमने पढ़ा था भाई किसके लिए, सी हमारा आता 7 के लिए, देखो कौन बनेगा करोड़पति, तो यहाँ पर 7, तो 87th नंबर पर है भाई। अब आपको आसानी से याद हो जाएगा, पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वीसी को, तो वी सी 8-7, तो आराम से आप आंसर कर पाओगे। अगला देखिए भाई, विश्व प्रसन्नता सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ये सारे क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं ये 2022 के हैं भाई, कुछ क्वेश्चन 2021 के भी आएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये रैंकिंग जो है वो 2022 की है भाई। ठीक है, आगे देखिए, विश्व प्रसन्नता मतलब विश्व खुशहाली, तो खुशहाली में भाई देखो, देखो खुशहाल कौन होगा, ट्रिक क्या बनेगी, खुशहाल कौन होगा, जो आदमी तमीज से रहेगा, क्या रहेगा, जो आदमी तमीज से रहेगा, तमीज से जो आदमी रहेगा ना भाई, वही खुशहाल रहेगा। तो तमीज से देखो भाई, हमें पता है टी के लिए हम 1 यूज करते हैं, हम ए के लिए हमने वोवल्स के लिए कुछ यूज करना नहीं है, एम के लिए होता है भाई 3, और आई हमारा वोवल है इसको हटा दो, जे के लिए होता है 6, तो 136, तो 136 पोजीशन है इंडिया की। तो भाई खुशहाल अगर रहना है तो तमीज से रहो, तमीज से रहोगे तभी तुम खुशहाल रहोगे, तुम्हें कोई छेड़खानी नहीं करेगा। आगे देखिए भाई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? अब देखिए भाई, इसका स्थान है 150। तो याद कैसे करोगे, प्रेस का क्या काम होता है, प्रेस वाले क्या करते हैं भाई, हर हमेशा की हमेशा न्यूज की तलाश करते हैं, क्या करते हैं वो, न्यूज की तलाश भाई, तो तलाश में रहते हैं हमें कोई अच्छी खबर मिल जाए। तो टी से हमारा 1, टी का कोड क्या होता है 1 होता है, ए को हम लेंगे नहीं, एल का कोड क्या होता है 5, और ए को हम लेंगे नहीं, एस का कोड होता है 0, तो भाई इसका स्थान है 150। देखिए भाई मस्त मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, आप कमेंट में जरूर बताना भाई। आगे देखिए, अगला जो है, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में इंडियन एयर फोर्स को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो भाई ये तीसरा स्थान है, याद कैसे करोगे, देखो भाई यहां पर बात कर रहे हैं वायु की, किसकी, वायु, तो वायु शक्ति बात कर रहे हैं, तो इसको याद ऐसे करना भाई, वायु के लिए देखो WAU, हम ऐसे तो लिखेंगे वायु को, वायु को ऐसे ही तो लिखेंगे, तो देख W का मतलब होता है 3 भाई, तो यहां से 3 आ गया, A हम वोवल्स है, U भी वोवल है, तो यहां पर स्थान आ गया तीसरा, तो आराम से आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए भाई, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर है भाई 121वां,
याद कैसे करोगे भाई? देखो सतत विकास रिपोर्ट, तो विकास इंसान कब करेगा? जब उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब कोई आदमी है वो विकास तभी कर सकता है जब उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। तो आप अगर विकास आपको करना है ना, तो आप आज ये काम करो, अपने मोबाइल पर DND की सर्विस लगवा लो भाई, डू नॉट डिस्टर्ब वाली सर्विस लगवा लीजिए। तो डी का मतलब 1, एन का मतलब 2 और डी का मतलब 1। तो 121वां पोजीशन है भाई, भारत की 121वीं पोजीशन है। आगे देखिए, वैश्विक बौद्धिक संपदा में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर इसका आंसर है कौन सा, 43वां। तो देखिए भाई, वैश्विक बौद्धिक संपदा, तो अगर बात कर रहे हैं हम बुद्धि की, हमारी बुद्धि मतलब मेमोरी की, तो आपको पता है जितने भी कंप्यूटर वाले डिवाइसेज हैं वो किस पर चलते हैं? वो चलते हैं हमारे रैम पे, क्योंकि उनकी बुद्धि को क्या होती है, रैम ही तो होती है उनकी बुद्धि। तो रैम से देखिए भाई, आर के लिए हम 4 यूज करेंगे, ए वोवल है हटा दो, एम के लिए 3, तो हमारी जो रैंकिंग है वो 43 है। एक बार कमेंट में जरूर बताना भाई कैसा लग रहा है। आगे देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भाई भारत का स्थान 135वां है। याद कैसे करोगे? देखो भाई, शांति सूचकांक, तो भाई देखो, अगर आपको भाई रियल में शांति चाहिए ना, तो आप एक काम कीजिए भाई, अपने देखो अपने भारत में सबसे शांत इलाका कौन सा माना जाता है, शांत नागरिक जो मिलते हैं वो साउथ के मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी होते हैं, वो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं और बहुत शांत मिलते हैं। तो भाई आप चले जाओ तमिलनाडु, मतलब कहां पर, अगर आपको शांति चाहिए तो तमिलनाडु चले जाओ, तमिलनाडु, तो तमिल चले जाओ भाई, तमिल। तो तमिल के लोग क्या होते हैं, बहुत ही शांति से रहते हुए। तो शांति सूचकांक में भारत का स्थान देखो भाई, 1, इसके लिए कुछ आएगा नहीं, एम के लिए 3, आई के लिए कुछ आएगा नहीं, एल के लिए 5, तो 135वीं पोजीशन है भाई। आगे देखिए, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए भाई, अगर हम बात करें क्या प्रतिस्पर्धा की, तो देखो भाई यहाँ पर हमारा 37th पोजीशन है। अब एक बात बताओ, प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, कंपटीशन। और अगर आप कंपटीशन में जीत जाते हो, आप कंपटीशन में जीत जाते हो, तो आपको क्या, आपको स्टेज पे बुलाएंगे और आपको माइक देंगे। क्या देंगे? माइक। भाई बोलिए कुछ अपने कैरियर के बारे में, कुछ आपने कैसे स्ट्रगल किया, कुछ भी है ना, तो वो आपको माइक देंगे। क्या देंगे? अगर आप प्रतिस्पर्धा में जीत जाओगे तो आपको माइक मिलेगा। तो माइक के लिए भाई देखो, 3, आई के लिए कुछ आएगा नहीं और सी के लिए 7, तो 37th रैंक भाई भारत की। आगे देखिए भाई, विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 180वां है भाई। तो इसको आप दो तरीके से याद कर सकते हो भाई, टोटल 180 देश थे जिसमें भारत का लास्ट नंबर आया है 180वां। तो ये क्या है, एक हंसी का विषय है, एक हंसी का ही तो विषय है भाई, सबसे लास्ट 180 देश थे और 180 देशों में आया है, तो 180। तो मैंने ये बताया भी था आपको करंट अफेयर में, लेकिन एक तो ऐसे याद कर सकते हो, एक आपको मनेमेनिक कोड से अगर याद करना हो ना, तो भाई कैसे याद करेंगे, देखिए अगर देखो 180 में देखो भारत मतलब विश्व में पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण प्रदर्शन में जो TVS की जो बाइक आती है ना भाई, TVS की, क्योंकि आपको पता है TVS की जो बाइक है ना वो पोल्यूशन नहीं करती, क्योंकि वो जो है भाई इतनी धुआं वगैरह नहीं छोड़ती है। कौन सी बाइक? TVS कंपनी की जो बाइक है वो। तो T के लिए भाई 1 आ जाएगा, V के लिए 8 आ जाएगा और S के लिए 0। 180 आंसर हो गया भाई, एक पर्यावरण के लिए TVS की बाइक जो है बहुत ही अच्छी है भाई। अगला देखिए भाई, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का क्या पोजीशन है? अब देखो आतंकवाद की बात कर रहे हैं, तो पोजीशन है भाई 12वीं। देखो भाई, अगर आप आतंकवाद में जाओगे, अगर आप आतंकवादी बन जाओगे, तो लोग आपको ताना मारेंगे। क्या मारेंगे? ताना। तो भाई ताना की स्पेलिंग कैसे लिख लेना आप अपने हिसाब से, ताना जैसे ऐसे बनेगा, तो भाई ताना मारेंगे तुम्हें लोग अगर तुम आतंकवादी बन जाओगे। तो ए के लिए कुछ नहीं आएगा, तो ए को हटा दो। टी के लिए क्या आएगा भाई? टी का मतलब होता है 1 और एन के लिए भाई 2। तो भाई भारत की पोजीशन है 12वीं। आगे देखिए भाई, अगला क्वेश्चन बोला है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए भाई, फायर पावर इंडेक्स में है, तो अगर कहीं पर फायर हो जाए, मतलब ऐसी वाली वो फायर नहीं, मतलब आग वाली फायर, देखना आग वाली, तो भाई कहीं फायर मतलब आग लग जाए तो क्या करोगे आप, उसमें पानी डालोगे नहीं डालोगे? तो पानी डालोगे इसका RO का, कौन सा? RO वाला पानी डाला, RO वाला, कौन सा भाई? RO का पानी डालेंगे भाई। देखिए भाई, RO तो O तो हट जाएगा, O तो हट जाएगा, R के लिए कोड क्या होता है? 4। तो रैंक कौन सी? भारत की 4th रैंक है भाई। अगला देखिए भाई,
वैश्विक लैंगिक अंतराल में भारत का स्थान कौन सा है? तो भाई आंसर है 135वां। थोड़ी नेगेटिव ट्रिक है लेकिन समझ जाना आप। देखो वैश्विक लैंगिक अनुपात मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको जानना हो ये मेल है या फीमेल है तो आप क्या करोगे, उनका जो टोवल है, टोवल, ठीक है भाई, टोवल यही तो होता है, उनका टोवल मतलब छीन के देखोगे कि भाई वो लड़का है या लड़की है। तो टोवल याद रखना कि आपको देखना है तो टोवल देखोगे भाई, कि टोवल से पता लगेगा भाई ये लड़का है लड़की है। तो टी का मतलब एक, ओ को हटा दो, डब्ल्यू का मतलब होता है तीन, ई को हटा दो, एल का मतलब होता है पांच। तो भारत की जो पोजिशन है वो 135वीं है भाई, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। आगे देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान। तो देखिए भाई 2021 में क्या था और 2022 में क्या, दोनों यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। 2021 में ये पोजीशन थी भाई 46, ठीक है भाई, और अब है भाई 93, ठीक है भाई। 2022 में याद कैसे करोगे, देखो भाई अब देखो लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र मतलब होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है भाई, राज होता है उसका पीएम का, राज होता है पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का राज होता है भाई, राज होता है प्राइम मिनिस्टर का, राज होता है प्राइम मिनिस्टर का। तो आर का मतलब होता है चार, ए का मतलब कुछ है नहीं, जे का मतलब होता है सिक्स, तो 46 तो थी 2021 में, और पी का मतलब होता है नाइन, एम का मतलब होता है तीन, तो 93। तो यहां से आप आसानी से याद कर सकते हो 2021 का भी और 2022 का भी। आगे देखिए भाई, अगला क्वेश्चन में बोला है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो यहां पर बात करिए आर्थिक स्वतंत्रता की। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब पैसे की बात है भाई, आर्थिक रूप से मजबूत होना मतलब पैसे की बात करी है यहां पर। तो इसको कैसे याद करोगे, पोजीशन है हमारी 131, याद कैसे करोगे, देखिए भाई आपको अगर आर्थिक रूप से मजबूत होना है, अगर याद भाई ट्रिक है सिंपल, कोई गलत मत समझना, अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना है ना, जब आपकी शादी हो तो भाई तुम दामाद बनोगे, और दामाद क्या मांगेगा, दहेज मांगेगा दामाद। तो दामाद क्या मांगेगा, आप ऐसे दामाद बनना कि पूरा दहेज मांग लेना भाई, पूरा दहेज मांग लेना, बस सिर्फ याद करने के लिए भाई। आर्थिक रूप से अच्छा बनना है ना, तो भाई ऐसा दामाद बनो कि भाई आपको दहेज मिले बहुत ज्यादा, तो दामाद। अब देखिए भाई डी का मतलब क्या होता है भाई, डी का लिए वन यूज करेंगे, ए कुछ यूज करेंगे नहीं, एम के लिए हम करेंगे तीन यूज, ए के लिए कुछ करेंगे नहीं, डी के लिए वन। 131 है भाई, तो 131वां स्थान है भाई। आगे देखिए ग्लोबल कौशल रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो भाई ग्लोबल कौशल मतलब ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड बात हो रही है, तो भाई भारत का स्थान है 68। याद कैसे करोगे भाई, देखो अगर तुम्हें पूरे ग्लोबल में अपना कौशल चाहिए, अपना यश प्राप्त करना है, मतलब उपलब्धि प्राप्त करनी है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाओ, क्या मनाओ, अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करो, तभी तुम्हारे से पूरा वर्ल्ड इम्प्रेस होगा, ऐसे आप याद करिए। तो गर्लफ्रेंड के लिए जी के लिए भाई 6 और एफ के लिए 8, तो भारत का स्थान है 68। आगे देखिए भाई, अगर हम बात करें किसकी, टाइम आउट 2022 के सर्वे के अनुसार, ठीक है भाई, सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो भाई देखिए भाई मुंबई का जो आया है ना वो आया है पूरे वर्ल्ड वाइड 14वां नंबर, और दिल्ली का आया 26वां नंबर। अब देखिए भाई, देखिए भाई 14वां नंबर है और 26वां नंबर, अब याद कैसे करोगे। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं करूँ मुंबई की बात, अगर मैं आपको मुंबई का बोलूँ, ठीक है भाई, आप यहाँ पर क्या है, टाइम आउट हो गया भाई, टाइम आउट ने ये मतलब टाइम आउट एक संस्था है जिन्होंने मतलब ये टाइम आउट 2022 की तरीके से इनकी रैंकिंग निकल जाती है सर्वश्रेष्ठ शहर की। तो यहाँ पर अगर दिमाग में लगाओ तो भाई टाइम आउट, अगर आप मुंबई में हो, आप मुंबई में हो और रात का इतना लेट हो जाए टाइम, तो आपको क्या लगेगा, क्या आपको डर नहीं लगेगा, क्या आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि मुंबई का हिसाब किताब ऐसा है, वहां की जो हवा पानी है मतलब कि थोड़ा बॉलीवुड टाइप का है, तो वहां पर आदमी को डर लगता है, क्यों भाई रात का टाइम है, कोई गलत हरकत ना कर दे, तो भाई मुंबई में लगता है डर। लेकिन यही टाइम आउट अगर दिल्ली में हो जाए तो हमें क्या है, हमें नाज होती है भाई उस चीज पर, नाज, ऐसे याद कर लो भाई नाज। तो डर से क्या होगा, डी से मतलब होता है वन, और आर ये ए आएगा नहीं, आर के लिए चार, और नाज के लिए भाई एन के लिए आएगा टू, और ए तो उस आएगा नहीं, जे के लिए भाई 6। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में 2021 की रिपोर्ट है भाई ये, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? तो यहां पर कौन सा रहा है भाई, 51वां रहा है भाई, कौन सा, 51वां। याद कैसे करोगे भाई, ग्लोबल होम, अगर होम की बात करें, अगर पूरे वर्ल्ड में आपका कहीं भी होम रहो,
अपने घर पर तो आप कभी भी जा सकते हो, सुबह भी जा सकते हो, शाम को भी जा सकते हो, लेट भी जा सकते हो। तो लेट जा सकते हो आराम से अपने खुद के घर पर, तो लेट भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट जा सकते हो भाई अपने घर पर। तो लेट मतलब एल का मतलब 5, ए के लिए कुछ नहीं, टी के लिए 1 और ई के लिए कुछ नहीं। तो 51वीं पोजीशन है भाई किसकी, भारत की। ठीक है भाई, अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है भाई क्या, विश्व पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। ये 2021 की रिपोर्ट है भाई, 2021 लिख लीजिए यहां पर, ये रिपोर्ट भी 2021 की है जो कि बाद में आई है। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा है, 54। ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए है, इसकी ट्रिक मुझे आप कमेंट में बताओगे, आप खुद ट्राई करना कि क्या इसकी ट्रिक बनेगी। ठीक है भाई, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। एक नई वीडियो आएगी कल, उसमें यही कुछ क्वेश्चन ये भी रहेंगे और कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आएंगे, नए भी आएंगे। तो भाई बहुत ही अच्छी कोशिश की है मैंने आपको बिल्कुल ट्रिक से समझाने की, बाकी आपका सपोर्ट चाहिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।